नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, इस हाथ के विषय में आज जो है महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम जो है फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त करूंगा। तो जानते हैं क्या क्या बातें इसमें से निकलती हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण इनके हाथ में जो है चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो है पर्सनैलिटी के विषय में आपके जो है चर्चा करूँगा, उसके बाद जो है सारी मेन हम आएंगे। तो सर्वप्रथम फिंगर की लेंथ के विषय में चर्चा किया जाए, तो फिंगर की लेंथ जो है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जिसके कारण थोड़ा जो है ऐसे लोगों में एनालिटिकल पर्सनैलिटी की कमी होती है। ऐसे जो लोग हैं जल्दबाजी व हड़बड़ी में निर्णय लेने वाले देखने को जो है नॉर्मली मिलते हैं, या थोड़ा सा जो है हड़बड़ बोला वाला जो है नेचर होता है। कोई बहुत बिग इशू नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाके थोड़ा सा पछतावा या फिर थोड़ा सा अफसोस जैसी गतिविधि जो है देखने को मिलती है। अदरवाइज जो है जल्दी काम करना और थोड़ा सा जल्दी बोला जो है रहेगा। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि आप जैसे लोगों के अंडर में जो है बहुत ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, क्योंकि आप जैसे जो लोग हैं काम निकलवाने में तब भी जो है बहुत ज़्यादा ही माहिर होते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ पर यहाँ पर आऊँ तो लिटिल फिंगर की लेंथ जो है तकरीबन जो है थोड़ी शॉर्ट रह गई, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक नहीं पहुँची, जिसके कारण ऐसे जो लोग हैं इनमें कम्युनिकेशन स्किल जो है थोड़ा जो है वीक देखने को मिलता है। वहीं शाइनेस और शर्मिलापन भी होता है अपोजिट सेक्स के प्रति। साथ ही साथ जो है थोड़ा केयरिंग पर्सनैलिटी में भी कमी होता है, और ये भी जो है देखने को मिलता है कि डॉक्यूमेंट्री और फाइलिंग में भी थोड़ी कमी होती है। चीज़ों को रखकर भूल जाना, थोड़ा सा केयरिंग पर्सनैलिटी में कमी आना, डिसिप्लिन थोड़ा प्रॉपरली ना मेंटेन कर पाना, इस प्रकार का थोड़ा जो है नेचर होता है। अदरवाइज फर्स्ट फिंगर थर्ड फिंगर की लेंथ तब सही है, जिसके कारण लीडरशिप क्वालिटीज़ यानी गुरु की क्वालिटीज़ यानी लीडरशिप क्वालिटीज़, टीचिंग क्वालिटीज़ ये जो है अच्छी होती रहेंगी आपने। साथ ही साथ सन की क्वालिटीज़ यानी क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। फिंगर के ऊपर जो है यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा देखने को मिल रही है, जो शो करता है फ्रेंडली नेचर और मिलनसार स्वभाव को। तो आप जैसे जो लोग हैं लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाने वाले होते हैं, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता है, और तकरीबन हर माहौल में ढल भी जाएंगे। और थोड़ी जो है यहाँ पर आड़ी रेखा है, तो ये थोड़ा सा अपनों से अनबन व मतभेद करने के योगों को भी व्यक्त करता है। अंगूठे के क्षेत्र में आइए तो अंगूठा का क्षेत्र बहुत ज़्यादा ही सशक्त है और अच्छा आर्क भी लिया हुआ है, जिसके कारण प्रॉपरली स्टैंड लेने वाले होते हैं आप जैसे लोग। और साथ ही साथ जो है इच्छा शक्ति, क्योंकि फर्स्ट पर्व जो है इसकी लेंथ अच्छी है, जिसके कारण इच्छा शक्ति आप जैसे लोगों में अच्छी होती है। साथ ही साथ सेकंड पर्व भी अच्छा है, जिसके कारण लॉजिकल जो है जीवन में आप रहेंगे। यव का साइन यहाँ पर बन रहा है, और ये जो है बहुत शुभ चिन्ह होता है, जिसके कारण कोई भी काम, वैसे तो ज़्यादातर काम थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं, मतलब ये आप कह सकते कि थोड़ा टाल मटोल या फिर नहीं करने की इच्छा होगी, लेकिन जिस काम को अगर आपने ठान लिया तो वो प्रॉपरली ढंग से आप जो है पूरा करेंगे, पूरा प्रॉपरली ढंग से। तो यही है कि यही होती है इच्छा शक्ति, कि व्यक्ति जो जीवन में चाहता है, जो जो बनना चाहता है, वो जो है कुल मिला करके बन जाता है। और जैसे कि यहाँ पर यव का चिन्ह है, तो ये जो है शो करता है इंटेलिजेंस को, कि आप जो है बहुत कुल मिला करके इंटेलिजेंट रहेंगे, दुनिया का अच्छा खासा हिसाब किताब रखने वाले होंगे। साथ ही साथ ये थोड़ा सिक्स्थ सेंस को भी बताता है, कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही आकलन कर लेना या पता कर लेना। तीसरी बात ये है कि धार्मिक जो है या कल्चरल एक्टिविटीज़ में प्रॉपरली जो है अपना योगदान देने वाले आप जो है रहेंगे, और मनी जो है लाइफ में अच्छा आपका रहने वाला रहेगा। पाम के साइज़ पर आइए, तो यहाँ पर जो है पाम का, यहाँ पर जो मैं साइज़ एक बार ड्रॉ कर लूँ, तो इस प्रकार से जो है पाम का साइज़ आपका देखने को मिल रहा है। ये जो है थोड़ा सा रेक्टेंगुलर पाम है, जिसके कारण थोड़ा सा जो है बोल करके कार्य करने वाले होते हैं आप जैसे लोग। और अब जो है एक एक पर्वत कर आपके जो है जानकारी दूंगा, और उसी से रिलेट करके जो आपकी क्वेरीज थे उन सबको बताऊंगा। गुरु पर्वत पे आइए, तो गुरु पर्वत जो है नॉर्मल स्पेस ले रहा है, परंतु यहाँ पर जो चिन्ह है वो शुभ है, हल्का सा, बहुत हल्का सा यहाँ पर स्क्वायरिश साइन है, और इस प्रकार से प्रोग्रेस लाइन भी आगे निकल रही है। प्रोग्रेस लाइन अपने आप में शो करती है कि ऐसा व्यक्ति निरंतर जो है जीवन में प्रोग्रेस करते ही जाएगा, कभी भी जो है पीछे मुड़ के ऐसे लोगों को देखना नहीं पड़ता। जो कल का दिन था उससे बेटर आज का दिन रहेगा ही, इस प्रकार का एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये प्रोग्रेस लाइन सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि आप जितनी जीवन में मेहनत करेंगे, जितना संघर्ष आपने फेस कर लिया, जितना प्रॉब्लम फेस कर लिया, उतना ज़्यादा आप जो है सशक्त बनते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रोग्रेस होते जाएगा। और ये प्रोग्रेस लाइन वर्क जो है लाइफ टाइम करेगी, हल्का सा मेहनत कर जाइए, रिजल्ट देखिए आप कितना अच्छा आता है। और वहीं स्क्वेरी जो साइन है, ये व्यक्ति को थोड़ा जो है इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान जो है जीवन में अच्छा मिलता है। आड़ी रेखा जो है ये थोड़ा सा जो है दयालुपन को, साथ ही साथ एक से ज़्यादा सोर्स से अर्निंग को भी शो करती है। और
यहाँ पर आइए सूर्य के से पहले शनि के क्षेत्र में, तो शनि का क्षेत्र यहाँ नॉर्मल है और यहाँ पर जो है इस प्रकार से यहाँ पर जो है हल्का सा गर्डल ऑफ वीनस जैसे आकृति बन रही है, परंतु ये जो है सपोर्टिव जो है आपकी हार्ट लाइन है, अदरवाइज थोड़ा गर्डल ऑफ वीनस जैसे आकृति बन रही है, ओपन है, जिसके कारण थोड़ा मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम जो है लाइफ में रह सकता है। अदरवाइज जो यहाँ सन माउंट है नॉर्मल है। सूर्य के क्षेत्र की चर्चा करें तो ये भी नॉर्मल है और यहाँ पर हल्की हल्की रेखाएं जो है जागृत हो रही हैं। फेम पॉपुलैरिटी थोड़ा जो है कम ही रहता है, व्यक्ति का थोड़ा नाम जो है जीवन में कम ही रहता है, परंतु होने के चांसेस रहेंगे, परंतु बहुत देरी से। और यहाँ पर आइए आपके मरकरी माउंट पर, तो मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा होना बहुत शुभ है, ये आकर्षित व्यक्तित्व की निशानी है। बेसिकली ये जो है बिजनेस लक है आपका और बिजनेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल अब इस कारण से रहने वाला रहेगा। आइए चर्चा करते हैं क्यों। देखिए बुध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा का होना ये जो है शो करता है व्यक्ति में क्वालिटीज़ को। कौन सी क्वालिटीज़? ऐसे लोगों में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि लोगों को अट्रैक्ट कर लें, लोगों को बांधे रखें, या फिर आप जो है कह सकते हैं कि आप में कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, टॉकिंग टोन हो, बोलने का अंदाज हो, या कुछ भी हो, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आप जो है लोगों को बांधे रखते हैं। तो ये एक प्रकार का बिजनेस लक है जो बिजनेस में अच्छे सक्सेस को शो करता है, साथ ही साथ हीलिंग क्वालिटीज़ भी अच्छी होती है। डीमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर जाना और लोगों को आपके आपके पास आकर के पॉजिटिविटी मिलना, और ये सब होने के कारण ही बिजनेस में ग्राहक बनते हैं और ऐसे जो है विस्तार होता चला जाता है। और इसी कारण फेम पॉपुलैरिटी भी मिलेगा आपको, क्योंकि इसका जो थोड़ा झुकाव है वो यहाँ पर कुल मिलाकर के सन के तरफ जा रहा है, तो ये जो है व्यक्ति को फेम पॉपुलैरिटी दिलाता है। तो यहाँ जो कमी थी सूर्य पर, उसकी कमी पूरी कर दी है इस बिजनेस लक ने। साथ ही साथ हृदय रेखा के एंड में जो इस प्रकार के यहाँ पर रेखाएं जागृत हो रही हैं इस प्रकार से गोंपोस टाइप, तो ये थोड़ा जो है व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि फ्लर्टी नेचर का बनाता है, रोमांटिक किस्म का बनाता है, या थोड़ा सा हंसमुख हंसमिजाज किस्म के रहते हैं। इसी कारण से जो है जहाँ भी जाएंगे पॉजिटिविटी जो है सकारात्मकता फैला देंगे, लोगों को जो है एंटरटेन करना, हंसाना, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करना कि जिससे लोग जो है मतलब इंटरटेन हों, खुश हों, बांधे रखें, तो इस प्रकार का जो है नेचर आपके आप में जो है रहने वाला रहेगा। फिर हृदय रेखा का सीधे जो है प्रारंभ यहाँ पर गुरु के क्षेत्र से होता जा रहा है और सपोर्टिव हृदय रेखा भी है यहाँ पे, तो जिस कारण से थोड़ा जो है आप इमोशनल अपने लाइफ में ज़्यादा रहेंगे, आप में भावुकता ज़्यादा रहेगी। एक क्वालिटीज़ ये रहती है, क्वालिटीज़ तो बहुत है इसमें, लेकिन एक ये है सबसे मेन कि ये ज़रूर है कि आप जल्दी लोगों के साथ नहीं घुलते मिलते हैं या जल्दी नहीं घुल मिल पाएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर जिसके साथ आपका रिलेशन बन गया या जिसके साथ आप एक बार जीवन में घुल मिल गए, अब कुछ भी हो जाए, अब आप जो है उससे अपना जो है पीछा, या कह सकते कि आप जो है उससे नहीं भुला सकते या फिर उससे रिलेशन नहीं तोड़ सकते। ये एक इमोशनल क्वालिटीज होती है जो व्यक्ति को बांध देती है दूसरे लोगों से, इसी कारण आप जो है लोगों के बातों में जल्दी आ जाया करेंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और लोग जो है आप जैसे लोगों का आसानी से फ़ायदा उठा जाएंगे और काम निकलवा जाएंगे। और यही चीज़ें रहती हैं जो थोड़ा व्यक्ति को पीछे खींच देती हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा ही सोचना कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या करेगा, कोई हर्ट तो नहीं हो रहा है, इस प्रकार का भी नेचर होता है। तो ये नेचर इस चीज़ में सही होता है कि आप मतलब जो भी व्यक्ति आपसे रिलेशन रहेगा वो सामने वाला बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा, क्योंकि आप उसके लिए बहुत कुछ कर जाएंगे, अपने तरफ से 100% देंगे। और किसी को धोखा चाह करके भी ना दे पाना, एक रुपये भी किसी का नहीं रखना, ईमानदारी से रहना, साफ सुथरा दिल रखना, ये जो है आपके साथ रहेगा। वहीं एक शाखा निकल के थोड़ा जो है झुकाव लिए हुए है मार्स की तरफ, तो थोड़ा एग्रेसिव पर्सनैलिटी था आपका, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा सा एग्रेशन पे आप कंट्रोल ही रखें तो अच्छा रहेगा। हृदय रेखा में जो नीचे ये रेखा आ रही है, ये इमोशनल सेटबैक की ही निशानी है, यानी अपनों से धोखा मिलना, चोट मिलना, दिल को दर्द होना, फिर उससे उभरना, तो ये इस प्रकार के ये नेचर को शो करता है। माइंड लाइन पे आइए, तो माइंड लाइन का फ्लो जो है इस प्रकार से निकलते थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, तो थोड़ी सी काल्पनिकता आगे चल करके और इमेजिनेशन स्किल में इंक्रीजमेंट होगी, अदरवाइज लॉन्ग माइंड लाइन है, माइंड बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग रहेगा, हर परिस्थिति को झेल जाने की काबिलियत रहेगी, परिस्थिति से जल्दी घबराएंगे नहीं, और लेकिन ये है कि ज़रूर दूसरे के से जो है राय विमर्श हर चीज़ के लिए करना पसंद करेंगे, और अगर दूसरा नहीं है तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा बंदा ज़रूर रहेगा जिसके मतलब बिहाव पर आप जो है इन्फ्लुएंस लाइफ में ज़्यादा रहेंगे, उसके चिन्ह अभी आएंगे, आगे ज़रूर होगा, मैं बताता हूँ आपको क्या है वो। और अदरवाइज लेके माइंड लाइन, तो माइंड लाइन स्ट्रांग है, तो कोई कुछ इसमें इश्यूज नहीं है, स्ट्रांग माइंड लाइन है।
यहाँ पर जो है इस प्रकार का ट्रायंगल बनना बहुत शुभ होता है हृदय रेखा और माइंड लाइन के बीच में, जिसके कारण ये जो है प्रॉपर्टीज बनने की लोगों को शो करता है। देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों में कि तकरीबन ये जो उम्र है, यहाँ पर जो हम एज कैलकुलेट करते हैं, ये एज होती है 45 प्लस। तो 45 प्लस एज समथिंग तक आते आते आने के बाद आपके लाइफ में जो है प्रॉपर्टी बनने के योग बहुत ब्राइट रहेंगे, और ये जो है इंडिपेंडेंट लक लाइन भी यहाँ से निकल के सैटर्न माउंट तक पहुँचे, तो तब जाके 45 एज के बाद जा करके कोई प्रोफेशन चूज़ करेंगे, चाहे वो बिजनेस का हो या कंसल्टेंसी का हो या कुछ भी मार्केटिंग फील्ड या कुछ भी हो, जिसके कारण वो प्रोफेशन बहुत आगे चलेगा। और ये रेखा जो है सीधे सैटर्न माउंट तक पहुँची है, जिसके कारण उस जो 45 एज समथिंग में जो आपको जो आप कह सकते हैं कि आप प्रोफेशन में जाएंगे, बेसिकली ये जो उम्र है ये 38-40 ही कुल मिला के काउंट की जाती है, लेकिन जो प्रॉपरली है वो 45 ही काउंट मैं कर रहा हूँ। तो उसके पहले भी अगर आप किसी प्रोफेशन में हो और आगे चढ़ते जाएंगे जो है कुल मिलाकर के चलते जाएंगे, तो उस प्रोफेशन से आपको पूरी जो है जीवन में संतुष्टि मिलेगी, सारी इच्छाएं पूरी होंगी और खूब जो है धनार्जन भी रहेगा। यहाँ पर आता हूँ मैं सीधे अब लाइफ लाइन पे। तो स्टार्टिंग लाइफ में प्रॉब्लम थी, ट्रबल्स थे, उतार चढ़ाव थे, और 18 प्लस एज के बाद से लाइफ लाइन में जो है सुधार आई है, और जो फ्लो हुआ है लाइफ लाइन का बहुत शुभ है। इस प्रकार से घुमावदार लिए हुए हैं, और ये जो है उम्र जो है आपकी अच्छी रहेगी, अच्छा खासा 80 प्लस जो है आप लाइफ इंजॉय कर पाएंगे, और लाइफ लाइन का फ्लो अच्छा है, तो ज़्यादा कुछ बिग ट्रबल नहीं है। और मेन बात यह है कि आपके लाइफ लाइन से जो है बहुत सारी सीधी खड़ी रेखा निकली है। तो ये जान लीजिए कि लाइफ लाइन से जब सीधी खड़ी रेखा निकलती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने खुद के काबिलियत व खुद की मेहनत से खूब आगे बढ़ने वाला होता है, और दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर जाता है अपने खुद के काबिलियत एवं मेहनत के द्वारा। तो ये जो है बिग अचीवमेंट्स रहेंगे ये तकरीबन 34 प्लस के एज के बाद में, कोई इच्छा बहुत बहुत अच्छी पूरी होने की योग रहेंगे, फिर 50 और 45 से 50 के बीच में, देन 60 और 65 समथिंग एज में बहुत अच्छी कुछ ना कुछ इच्छा मनोकामना पूरी होगी, और उसके बीच में भी हल्की हल्की रेखाएं जागृत हो रही हैं। तो ये जान लीजिए कि आप अपना जो भाग्य है वो अपने खुद के दम पर जो है लिखने वाले रहेंगे। एक और लक लाइन इंडिपेंडेंट चल रही है जो माइंड लाइन पर रुक गई है, तो ये जो रुक गई है ये 35 समथिंग एज ही है, तब तक जो है अच्छा खासा दूसरों का सहयोग या किसी का सहयोग मिलेगा, अच्छा जो है सशक्त परिवार में आपका जन्म भी हुआ है। और यहाँ पर जो है एक डिक्लाइन लाइन है जो थोड़ा जो है, और यहाँ पर एक और लाइन इस प्रकार से काट रही है जो आपको एक तो तकरीबन 30 समथिंग एज में और एक जो है 45 एज में बहुत बिग ट्रबल आने वाला रहेगा। अदरवाइज देखा जाए तो लाइफ लाइन में कुछ भी इशू नहीं है, उस ट्रबल से भी आप निकल जाएंगे, क्योंकि लाइफ लाइन का फ्लो कंटिन्यूसली है। और यहाँ पर देखिए वो योग मिल ही गया, ये जो है मंगल का क्षेत्र है, और मंगल के क्षेत्र पर जब इस प्रकार की रेखा चलती है, तो ये जो है मंगल रेखा है, इन्फ्लुएंस लाइन, इसी को सीधे इंडिकेट करती है कि व्यक्ति जो है लाइफ में किसी दूसरे की बातें, किसी ना किसी के बातों में जो है ज़्यादा आने वाला रहेगा, या फिर किसी के अनुसार जो है चलने वाले जो है ज़्यादा आप रहेंगे। तो बचपन से ये रहेगा तकरीबन 45-50 एज के आसपास तक, और कुछ इन्फ्लुएंस लाइन और भी चल रही है, तो इन्फ्लुएंस लाइन ख़राब नहीं होती, अच्छी ही होती है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन को शो करता है कि किसी न किसी का सपोर्ट और सहयोग मिलता रहेगा जब जब आप किसी दिक्कत परेशानी में पड़ेंगे। शुक्र का क्षेत्र ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति जो है लग्जरीज व सुख सुविधा के पीछे ज़्यादा भागता है, सज सजावट की चीज़ें जो है पसंद आती हैं, और कुल मिलाकर के अट्रैक्शन का केंद्र भी जो है बनते हैं, खर्चीला स्वभाव भी आपका जो है रहेगा। थोड़ी आर्य रेखा अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करती हैं, तो ये जो है इस कारण से थोड़ी अनावश्यक चिंता जीवन में रह जाती है, अदरवाइज केतु माउंट नॉर्मल है। और यहाँ पर जो है चंद्र के क्षेत्र से ये जितनी रेखाएं आप देख पा रहे हैं ये सारी विदेश यात्रा को व्यक्त करती है, फॉरेन ट्रैवलिंग चांसेस बहुत ब्राइट रहेगा, और विदेश से जो है लाभ भी मिलने के योग रहेंगे। और ये जितनी ये रेखाएं जो है ये सारी बिजनेस लग है, जो बिजनेस में सक्सेस को शो करती है, और यहाँ जो है बिग मनी ट्रायंगल भी इस कारण से जो है आपका जो है बन पा रहा है, जिसके कारण लाइफ में अच्छा खासा आप जो है धन कमाएंगे और वो धन इकट्ठा भी आप जो है कर पाएंगे। चिल्ड्रंस के विषय में जहाँ तक चर्चा करें, तो चिल्ड्रन लाइन जो है यहाँ पर शुभ है, दो अच्छे खासे आइलैंड बन रहे हैं, जिसके कारण संस्कारी एवं सारी इच्छा मनोकामना जो है पूरी होगी, यानी कुल मिला के संस्कारी ही व्यक्ति का जो है बच्चा निकलता है ये, और मतलब मतलब इससे जो बच्चे होते हैं संस्कारी ही निकलते हैं। और ये जो इन्फ्लुएंस लाइन है, तो ये बेसिकली घर से रिलेटेड किसी न किसी पर्सन की रहती है, तो आपके जो ब्रदर से रिलेशन या जिससे भी रिलेशन है वो अच्छा खासा रहने वाला रहेगा, और उसके कारण लाइफ में आपका जो है एक बेस तैयार होगा, या ये कह सकते हैं कि जब भी किसी दिक्कत परेशानी में रहेंगे तो उनका सहयोग सपोर्ट अच्छा खासा मिलेगा। आगे की लाइफ अच्छी है, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन बहुत है, और उसके बाद
लक लाइन भी जो है अच्छी जागृत हो रही है, प्रॉपर्टी के योग एवं जो यहाँ पर बिजनेस लक भी है वो उसी के बाद देखने को मिल रहा है, तो आगे की लाइफ अच्छी है। बट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अभी आने वाले रहेंगे, तो इसके लिए थोड़ा खबरदार रहिए। अदरवाइज सब जो है कुल मिला के बेस्ट है। कोई और प्रश्न रहेगा हो तो जरूर पूछें। कैसा लगा है वीडियो ये भी बताएं। तब तक आपका बहुत